वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने, और बीवी ने देखा जब ये रंगीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। मैं हरियाणा के उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये तो झारखंड से आया। पीछे हल्के से हमारे महेंद्र शर्मा जी बैठे हैं। अच्छा, इन दोनों को ध्यान से देखो आप, दिनेश रघुवंशी को और महेंद्र शर्मा को। दिनेश को देखो तो आपको लग जाएगा कि भूखमरी देश में क्यों है, किसके कारण, और महेंद्र को देखो तो पता लग जाएगा कि उसके बाद आदमी कैसा हो जाता। कमाल है इनका। ये महेंद्र जी हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं। पिछले दिनों मुझे मिले, महेंद्र भाई आ जाओ, पिछले दिनों मिले तो मैंने पूछा महेंद्र भाई कहाँ जा रहे हो, बोले हवा जिधर ले जाएगी उधर ही निकल जाऊंगा आज। ये तो गनीमत है कि आज हवा गाजियाबाद की तरफ थी, वरना ये फरीदाबाद भी निकल सकते थे। मैं चार पंक्तियां इन्हें सौंपता हूँ कि इतने कमजोर हुए ये सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चार पाई से। गाजियाबाद वालों तालियां अगली दो पंक्तियों पर भरपूर बजा देना। इतने कमजोर हुए ये सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चार पाई से। कोई रोहतक कहता है, कोई हिसार बताता है, मगर निकले हैं ये तो देखो हड़प्पा की खुदाई से। कि कॉलेजों में आजकल अजीब खेल होता है, कॉलेजों में आजकल अजीब खेल होता है, क्लास के बहाने दो दिलों का मेल होता है, और जेब कटा लेता प्रेमिका को पटाने में, इसलिए पप्पू और साल आपको कैसे पता। पप्पू तो इधर बैठा। चार पंक्तियां फिर देना चाहता हूं, मस्ती की सुनिएगा। ये प्यार क्या है, वो कह रहे थे कि ये नहीं देखेंगे औरतों का तो औरतों का क्या होगा। ये अच्छी बात नहीं है, जो अच्छी बात है वो कहना चाहता हूं कि कसम खुदा की यदि आज हम कुंवारे होते, कसम खुदा की यदि आज हम कुंवारे होते, सूख कर इस कदर नु ये छुआरे होते, और चटा देते चमन प्रास यदि अपनी उल्फत का, डार्लिंग झंडू बाम हम तुम्हारे होते। बहुत अच्छे। पर क्या करे, गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद। बता दो ताली यार, हिम्मत दो थोड़ी सी। गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद। बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद, कौन रिस्क ले। और चार पंक्तियां मैं प्रवीण भाई को देना चाहता हूँ। स्वागत सर। कि वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने, और बीवी ने देखा जब ये रंगीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। चार पंक्तियां फिर कहना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कई बार सोचते कि हमें रोता कुछ है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। ये सब रिजल्ट की बात थी मित्रों, हरियाणा की बात की मैं सच में कहना चाहता हूँ। हरियाणा का व्यक्ति बड़ा विशेष होता है, ये सभी कहते हैं, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ क्या अंतर होता है। गाड़ी के डब्बे में दो आदमी बैठे हुए थे, एक हरियाणवी था दूसरा बंगाली था। हरियाणवी ने बंगाली से पूछ लिया, बोला भाई साहब आपका नाम क्या है। बंगाली बोला कालका प्रसाद बासा। अब बंगाली ने हरियाणवी से पूछ लिया, बोला आपका नाम क्या है। हरियाणवी बोला आज का प्रसाद ताजा। अगले की समझ में नहीं आई, उसने कहा तू बासा के, तू ताजा के। ऐसे ही हरियाणवी ने होटल खोल लिया, एक गाजियाबाद का पहुंच गया, बोला भाई साहब गरम गरम क्या है, बोला थवा है। बहुत अच्छे। खाएगा ले जाएगा। बहुत अच्छे। हमारे यहाँ तो सब्जी बेचने वाले भी कमाल करते हैं। एक सब्जी बेचने वाले के पहला लड़का हुआ, दूसरा सब्जी बेचने वाला बधाई देने पहुंच गया, बोला लड़का कैसा है, बोला एकदम ताजा है, अभी पानी छिड़का है। और अब अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। कारगिल का युद्ध हुआ, युद्ध में हरियाणा का सिपाही बंकर में बैठा हुआ था। जब उसको बहुत देर तक कोई पाकिस्तानी शिकार हाथ नहीं आया तो उसका धैर्य डोला,
अचानक कोई भारी सी चीज उसके पीठ पे गिरी और 15-20 मिनट तक नहीं हटी। जब नहीं हटी तो उस हरियाणवी सिपाही का जवाब था, बोला रे बम है तो फट जा और आदमी है तो हट जा। लेकिन मित्रों, जब बम फटता है किसी मंदिर में, जब बम फटता है किसी दरगाह में, जब बम फटता है किसी मार्केट में और जब बम फटता है दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर, तो गाजियाबाद के शुद्धि श्रोताओं की तरफ से 4 पंक्तियां आतंकवाद के खिलाफ पढ़ना चाहता हूं कि फोड़ लो लाख बम बेशक, फोड़ लो लाख बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा, फोड़ लो लाख बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा, जिन्होंने कारनामों से तिरंगा झुक न पाएगा। फोड़ लो लाख बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा, जिन्होंने कारनामों से तिरंगा झुक न पाएगा। और तेरी औकात क्या है गौर से सुन ले रे आतंक, अमन का है चमन भारत सदा ही खिलखिलाएगा। ये वो भारत है। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये पॉलिटिकल बातें जितनी हुई लेकिन उसमें भी संकेतों में बात करना चाहता हूं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जेल में बंद थे तो किताब लिखी भारत एक खोज, भारत एक खोज। हमारे प्रधानमंत्री जी लिख रहे भ्रमण एक मौज, सोनिया गांधी जी लिख रही पप्पू एक बोझ, और केजरीवाल जी लिख रहे बेवकूफ बनाओ रोज। एक बार ताली बजाइएगा। और देखो संकेतों में बात करना चाहता हूं। देखिए क्या है, झाड़ू चनाव चिन्ह किसका है, आपका। लगा कौन रहे हैं, मोदी जी, और साफ कौन हो रही है, कांग्रेस। ये स्थितियां हो जाती है, ये अलग विषय है। लेकिन एक व्यंग देना चाहता हूं, भारी हमारे बैठे हुए बहुत बड़े बेचैन साहब, नेताओं पे व्यंग होता है, मैं भी एक छोटा सा व्यंग देना चाहता हूं। दक्षिण में एक नेता की नाक तोड़ दी गई थी, आपको ध्यान बताना चाहता हूं, वहां से एक व्यंग देना चाहता हूं। एक नेता ने दूसरे नेता की नाक तोड़ी, यह खबर जंगल में आग की तरह दौड़ी। एक नेता ने दूसरे नेता की नाक तोड़ी, ये खबर जंगल में आग की तरह दौड़ी। एक बोला ये अखबार वाले भी अजीब लोग हैं, खबरें उल्टी सीधी छाप देते हैं, सभी को एक फीते से माप देते हैं। तभी दूसरा बोला हमारे नेताओं की तो छवि पाक व साफ होती है। तभी तीसरा बोला माफ करना, क्या नेताओं के भी नाक होती है। और मित्रों, मैं केवल 3 बंद की कविता पढ़ना चाहता हूं, क्षमा चाहूंगा की वजह से। और ये मैंने कभी इस विषय पे नहीं लिखी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े मित्र जी बैठे हुए, संतोषानंद जी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं 3 बंद की रचना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अपने घर में अपनी ही पहचान कहीं ना खो जाए। मित्रों, ये प्यार चाहता हूँ आपका। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा वास्तव में स्वास्थ्य खराब है, मैंने प्रवीण से कहा था भाई मैं जाना चाहूंगा, लेकिन आपका प्यार है, पढ़ना चाहता हूँ 3 बंद की कविता। कि अपने घर में अपनी पहचान कहीं ना खो जाए और तिरंगे का पावन सम्मान कहीं ना खो जाए। वक्त आ गया जन जन में ऐसा अभियान जगा दे, हम विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे। मैं धन्य हो गया। अपने घर में अपनी पहचान कहीं ना खो जाए और तिरंगे का पावन सम्मान कहीं ना खो जाए। वक्त आ गया जन जन में ऐसा अभियान जगा दे हम और विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि सेमी सेमी खड़ी बांसुरी डरी डरी है शहनाई। कश्मीर लेकर चलता हूं आपको, संकेतों में बात करना चाहता हूं दिनेश भाई। सेमी सेमी खड़ी बांसुरी डरी डरी है शहनाई, ढोलक ढोल मंजीरे की आंखें अशकों से भराई। पछुआ की धुन में डूबा कंठ देख आज देखो यौवन, चरण आचरण के फिसले है नाच रहा है नंगापन। जन जन की वाणी में फिर से वेद पुराण जगा दे हम, विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम। हम दूसरों पर आरोप तो कह देते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अनर्थ हो रहा है व्यभिचार हो रहा है, लेकिन हमने कभी सोचा कि हमारी फिल्मों में कितना हिंसा दिखाई जाती है, कितना नंगापन दिखाया जाता है, क्योंकि वातावरण को नहीं बदल सकते तो ये घटना भी रुकनी बड़ी आसान नहीं है। अगला बंद पढ़ना चाहता हूं कि वतन फरोशों को जाने कैसा चढ़ा जुनून यहां, वतन फरोशों को जाने कैसा चढ़ा जुनून यहां, अपना मांस नोचने को ही बढ़ा रहे नाखून यहां। बारूदों का ढेर बना दी कश्मीर की हरियाली, बिलख बिलख कर रोते हैं वह अमन चैन में खुशहाली। बहुत अच्छे, बिलख बिलख कर रोते हैं वह अमन चैन में खुशहाली। आज तिरंगा कश्मीर के घर घर पर फहरा दे हम, विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम। ताली नहीं बज रही, मैं चाहता हूँ तीसरे बंद में बजनी चाहिए। हमारे देश में
किसानों की क्या दुर्दशा है। कहना चाहता हूं कि धरती से सोना उपजाने वालों को सौगात नहीं, धरती से सोना उपजाने वालों को सौगात नहीं, उनके बच्चों के हाथों में कोई कलम दवात नहीं। कितने बेबस रोज यहाँ भूखे प्यासे सो जाते हैं, सोच के कल अच्छा होगा बस सपनों में खो जाते हैं, सोच के कल अच्छा होगा बस सपनों में खो जाते हैं। भूख गरीबी का मिलजुल कर नाम निशान मिटा दे हम, और विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम। अंतिम चरण पढ़ना चाहता हूँ, आपका प्यार मिला मोहब्बत मिली, और अंतिम चरण उन शहीदों के नाम पढ़ना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, जब तक हम नहीं सुधरेंगे देश नहीं सुधर पाएगा। हम अपना आचरण नहीं बदलेंगे हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं। तब कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे लालच के झूलों में हम नहीं झूलेंगे, छोटे छोटे लालच के झूलों में हम नहीं झूलेंगे। कसम उठा ले वीरों की कुर्बानी कभी ना भूलेंगे, और बन करके सुखदेव भगत सिंह हिम्मत वही दिखाएंगे, और गर आवाज देश ने दी तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। बहुत अच्छे, गर आवाज देश ने दी तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। वीर शिवागुरु गोविंद सिंह राणा का अलग जगा दे हम, और विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम। अंत में चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ मित्रों, देश तोड़ना बहुत आसान है लेकिन देश जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अंतिम चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे, और जिनके हैं नापाक इरादे कान खोल कर सुन ले वे, कसम तिरंगे की हमको देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, 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 oh